प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान में संपूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है। उसी प्रकार हमने मेरी माटी मेरा देश महाअभियान में भी अपनी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एसएसबी के लोग हैं, वहीं अभी हमारी सांसद महोदया मुझसे कह रही थी कि मातृशक्ति की जो संख्या है, यहाँ पर सबको अगर छोड़ दिया जाए तो इस कार्यक्रम में 80% मातृशक्ति की संख्या है। मैं उन सबको विशेष रूप से मैं नमन करना चाहता हूँ। आज अमृत कलश यात्रा में देवभूमि के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से और 95 विकास खंडों, 101 नगर निकायों से तथा 192 तथा नेहरू युवा केंद्रों से 166 स्वयंसेवक और हमारे आईटीबीपी के और एसएसबी के लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को हमारे मस्तिष्क में चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश भर के अंदर मेरी माटी मेरा देश महाअभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके पीछे हेतु है कि जहां हम अपने उन अमर बलिदानियों का स्मरण करें, वहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वह पीढ़ी भी एक विरासत के तहत उन सभी का स्मरण करें जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की तपोभूमि की मिट्टी को अमृत कलश यात्रा में दिल्ली में जो अमृत कलश है उसमें दिल्ली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे देश भर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत वाटिका उनके द्वारा दिए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरी तरह से पूर्ण करने में निश्चित रूप से सहायक होगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के और अपनी परंपरा और जो उनकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य पर सभी को पूरा विश्वास होता है और गर्व का भी भाव होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर देशवासी के मन में, हर भारतीय के मन में यह विश्वास एवं गर्व का भाव उत्पन्न करने का काम, उसको प्रेरित करने का काम आज पूरे 140 करोड़ भारतीयों के मन में लगातार एक गौरव की अनुभूति पैदा करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है और यह बात हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर बलिदानियों ने आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, देश की आजादी के बाद के हों या उससे पहले के हो, हमेशा उन्होंने अपनी वीरता को सिद्ध किया है और हमने हमेशा माना है देशभक्ति सर्वसाव भक्तिसु श्रेष्ठा, यानी कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में अगर कोई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो वो देशभक्ति है। मैं जब भी हमारे शहीदों से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं या इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो एक सैनिक पुत्र होने के नाते जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूं कि हमारे वीर सैनिक हमारे साथ होते हैं, उनके परिजन हमारे साथ होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन साथ होते हैं और मातृशक्ति साथ होती है, नौजवान साथ होते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परंतु ऐसे कार्यक्रमों में आकर कहीं ना कहीं मन उन बलिदानियों को याद करते हुए जिन्होंने हंसते हंसते
अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी बहन की राखी को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, परिजनों को छोड़ दिया और देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, अपनी शहादत दे दी, उन सब का स्मरण करते हुए कहीं कहीं मन भाव विभोर होता है, मन और आंखें नम हो जाती हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से सशक्त हो रही है, न केवल सेना का मनोबल बढ़ा है, बल्कि सेना अधिक सक्षम भी हो रही है और सशक्त भी हो रही है। बल्कि हमारी सेना की यश और कीर्ति पताका आज संपूर्ण विश्व में फैल रही है। हमारी केंद्र की सरकार जहां एक ओर सेना एवं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों के परिवारों को जो मिल रही सुख सुविधाएं उनका भी पूरी तरह से उनकी चिंता कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों के साहस और मनोबल को यही सब कारण है कि बढ़ा रहे हैं। आज पहला का एक समय था, हम सबको समय याद करना चाहिए जब हमारे वीर सैनिक जो सीमाओं पर 24 घंटे कहीं माइनस डिग्री तापमान पर कहीं धूप आदि पानी सहते हुए सीमाओं की रक्षा करते थे, हम सबकी रक्षा करने में तैनात रहते थे, उनको अगर कहीं दुश्मन की गोली आती थी, किसी आतंकवादी की गोली आती थी, किसी जिहादी की गोली आती थी, तो उनको आदेश लेना पड़ता था कि गोली चलानी है कि नहीं चलानी है। लेकिन भाइयों बहनों, अब समय बदल गया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सेना को किसी गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लंबे समय से जो हमारी वन रैंक वन पेंशन की मांग थी, उस मांग को पूरा किया। हमारी राज्य सरकार भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में एवं उनके मार्गदर्शन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको वृद्धि करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने सैनिकों उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान की राशि है उसको बढ़ाने के लिए सैनिक शहीदों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति का निर्णय भी इसी आशय से लिया है। इसके साथ ही मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड के जो वीरता से सम्मानित सैनिकों को जो देय एकमुश्त अनुदान राशि है वह भी उसमें भी हमने वृद्धि की है। पहले जो हमारे परमवीर चक्र विजेता थे उनको 30 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी, हमने उसको 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र 20 लाख मिलते थे, अभी हमने 35 लाख रुपया किया है। कीर्ति चक्र में भी जो 20 लाख रुपए की धनराशि देय होती थी उसको 35 लाख रुपए किया है। वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल को 7 लाख से 15 लाख किया है। हमने उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं एवं बेटन की पेंशन प्रतिमाह 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का भी निर्णय लिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं की प्रतिमाह पेंशन 21,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए उनके मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य में जो पांचवें धाम की रीव रखते हुए एक भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सैन्य धाम का निर्माण यही देहरादून के गुनियाल गांव में प्रारंभ कर दिया गया है। तेजी से सैन्य धाम का काम चल रहा है और प्रदेश के 1700 से भी ज्यादा शहीदों के आंगन की माटी लाकर उसके काम के निर्माण को हमने प्रारंभ किया है कि रक्षा के लिए तिरंगे की शान को बरकरार रखा है। ये सैन्य धाम वो प्रेरणा पुंज होगा जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पबद्ध रहने की प्रेरणा देगा।
और हमारे नई पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं उन सबका स्मरण उनके मन में हमेशा रहेगा कि इन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है। प्रदेश की 125 करोड़ जनता के आशीर्वाद से मैं आप सबको आपके मुख्य सेवक के रूप में ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो सरकार है सीधे सीधे जन सलाहकारों के लिए, उनके लिए समर्पित है। क्योंकि मेरा मानना है कि उत्तराखंड का विकास करना केवल हमारी नीति ही नहीं है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए एक पल और एक क्षण रुके बिना लगातार हम प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए लगातार अपने लक्ष्यों को तय कर उसकी सिद्धि का संकल्प जो हमारा विकल्प रहित है वो हम सबको लेना है। और इस सिद्धि के मार्ग में आने वाली अनेकों चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना है। और ये चुनौतियां हम सब एक साथ एक दिशा में चलेंगे, एकमेव होकर चलेंगे, तो निश्चित मानिए कि कोई भी ताकत हमको इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, अग्रणी पंक्ति के राज्यों में शामिल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश जिस विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है उस यात्रा में उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उस आज के अवसर पर हम सब लोगों को आज यहां से एक संकल्प लेकर, एक शपथ लेकर और एक सौगंध लेकर जाना होगा कि हमारे जो अमर शहीदों ने अपने प्राणों को देश की रक्षा के लिए लगाया है, हम सबकी सुरक्षा के लिए लगाया है, देश की एकता अखंडता के लिए लगाया है, उसको साकार करने में हम सब अपना सर्वोत्तम योगदान देश में देंगे। जो भी हम जिस स्थानों पर भी रहते हैं, जो भी काम, जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी हमारी है उसको हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः मैं सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए और आप सबका, हमारे सेना के और ITBP के, SSB के, हमारी आई हुई माताओं, बहनों को, नौजवानों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को, वीर सैनिकों के परिजनों को, सबको एक बार अपनी ओर से बहुत सबको प्रणाम करते हुए, सबको नमन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।